नमस्ते सबको, और सॉरी मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है रेगुलर, पर अब से आपकी वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी रूटीन के साथ में। और जैसे रूटीन मतलब फॉलो करना है वैसे ही मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी, ठीक है। हमारा रूटीन चलेगा लॉन्ग हेयर के लिए, जो मुझे कमेंट आए थे कि दीदी आप लॉन्ग हेयर के लिए रूटीन स्टार्ट करो, तो मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने जस्ट मतलब थोड़ी देर पहले ही बालों को धोया था, तो मेरा अभी थोड़ा हल्का हल्का सा सूख चुका है, और मैंने उसी से धोया है जो मैंने आपको बताया था, वीट रूट वाला जो शैम्पू है उसमें मेथी और ग्रीन टी है, उसी से बालों को धोया है। और पैक जो लगाया है उसकी वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी, और यहाँ से आपका रूटीन स्टार्ट है मई का, तो यहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए, मई का रूटीन स्टार्ट है, ठीक है। और आप देख सकते हो मेरे बालों में चमक कितनी आ रही है। मैंने बीच में बालों का कलर चेंज मेहंदी लगा लगा के कर लिया था, तो बहुत से मेरे से ऐसे कह रहे थे दीदी आपको ब्लैक बाल ही सूट करते हैं, रेड नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने ब्लैक ही रखा है, रेड नहीं किया है फिर से। देख लीजिए बाल धोने के बाद में ना, तब आपका हल्का हल्का सा बाल सूख जाता है ना, ज़्यादा सूखे बालों में भी कॉम नहीं करना चाहिए, ठीक है। हल्का हल्का सा जब आपका बाल सूख जाता है ना, तब आप अपने बालों में कॉम करना स्टार्ट कीजिए। और जो चीज़ इसमें मैं लगाने वाली हूँ वो मैं एक से दो महीने हो चुका है मुझे इस्तेमाल करते हुए, शायद ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि एक बॉटल मैंने और इस्तेमाल कर ली थी उसकी, अब ये दूसरी बॉटल है मेरी। और मुझे बहुत अच्छा वो सीरम लगा है, हेयर सीरम है वो, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। और उसके दो और भी आते हैं, जैसे एक ब्लू कलर में और भी आता है, पर आपको मैंने जो लिया है वो गोल्डन से कलर में है और अच्छा है। ये है स्ट्रेस का, मैं इसकी ना पिक सेंड कर दूंगी आप लोगों के लिए, और यहाँ पे साइड में लगा रही हूँ तो आप लोग देख लीजिए। और कुछ ऐसे एक ब्लू कलर में और आता है, तो देखिए जिनको ब्लू वाला सूट करता है तो ब्लू वाला ले सकते हो, नहीं तो ये स्ट्रेट का हेयर कलर है, हेयर सीरम है ये सीरम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इसे आपको पता है थोड़ा सा दो से तीन बूंदे लेनी है, अगर जिनके बालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो वो तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, मैं तो चार लेती हूँ, पता बहुत से ये कहते हैं दो बूंदे लेनी है, दो बूंदों से कुछ नहीं होता है, दो बूंदे तो एक साइड के लिए चाहिए, दो बूंदे एक साइड के लिए चाहिए, इसलिए मैं चार बूंदे लेती हूँ, तो मैं पूरे बालों में अच्छे से लग जाता है। ऊपर नहीं लगाना है हमें जड़ों में, नीचे लेंथ में लगाना है। और मैं आपसे कह रही हूँ सच्ची में बहुत ही अच्छा हेयर सीरम है ये, इसमें ब्लू में भी आता है, तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग लाना चाहो तो ला सकते हो, और इससे बहुत ही अच्छी शाइन आती है। और आप लोगों के लिए जो पैक लगाया है मैंने उसकी वीडियो भी आ जाएगी, पर बस आप लोग रूटीन फॉलो करना तो आप लोगों के लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और लॉन्ग हेयर के लिए मैंने जो पैक बताया है आपको, अगर जिनको भी अपने बाल घने और मोटे और लॉन्ग करने हैं, तो वो आंवला और मेथी, कलौंजी और दही, ये जो पैक है इसे आप लगाइए, इससे आपके बाल बहुत ही जल्दी लॉन्ग होंगे और मोटे भी होंगे और घने भी होंगे, मतलब वही मतलब आपके बालों में एक भारीपन सा आएगा, बहुत ही अच्छे आपके बाल हो जाएंगे। और आप कभी भी अपने बालों में शैम्पू करते हो या धोते हो अपने बालों को, तो टॉवल में जब भी आप लपेट के रखते हो अपने बालों को, तो कम से कम
अपने बालों का जो पानी है वो टावल में थोड़ा बहुत सूख लेने दीजिए। गीली मतलब जैसे बहुत से क्या करते हैं, तुरंत टावल लगाया और हटा दिया और फटकारने लग गए बालों को ज़ोर ज़ोर से, ऐसे ना कीजिए। अगर ऐसे आप करोगे तो बाल तो टूटेगा ही, तो इसलिए बालों में से जितना भी पानी है उतना टावल अपने आप ले लेती है, सूख लेती है। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप लोग छोड़ो टावल को और वो पानी सूख लेगी, फिर आप अपने बालों को खोलो, मतलब टावल को हटाओ अपने बालों से, जिससे भी आप कवर करते हो अपने बालों को उसे फिर हटाओ और फिर नॉर्मल हवा में सुखाओ। चाहे तो आप पंखे की हवा में सुखा सकते हो हल्का हल्का, ज़्यादा फास्ट भी पंखा मत चलाओ। अगर फैन के हवा में सुखाते हो तो नॉर्मल स्लो तो उसमें आप सुखाओ, और जैसे ही आपका हल्का हल्का सूखता है ये हेयर सीरम लगाओ, और हेयर सीरम लगाने के बाद में आप कॉम करो, ठीक है। कॉम करने के बाद में आप अपना जूड़ा बना लो और जूड़ा बना के आप छोड़ दो, देखना आपके जो दो मुंह की समस्या ना बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और फ्रीजी और जो आपके वो ऐसे हेयर होते हैं ना, टाइट टाइट से हेयर होते हैं, उनकी समस्या भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी आपकी। आपके बाल ना बहुत बहुत सिल्की सॉफ्ट शाइनी ऐसे हो जाएंगे। ये देखो मेरे बाल, आप लोग बोल रहे थे ना दीदी ब्लैक ही रहने दो, दीदी ब्लैक। और सबसे एक ज़रूरी बात, जो हेयर प्रोटीन मैंने आप लोगों के लिए बताया है ना बबुल हेयर प्रोटीन, तो वो हेयर प्रोटीन हेयर फॉल के लिए बहुत ही बेस्ट है। जिनको भी हेयर फॉल की समस्या हो रही है वो इस हेयर प्रोटीन को लगाइए, बबुल हेयर प्रोटीन को, तो उनको हेयर फॉल की समस्या से निजात मिलेगा, मतलब बहुत हद तक हेयर फॉल कम हो जाएगा उससे। और राइस वाटर जो पैक है, अगर उसे रेगुलर आप करते हो, बीच बीच में आप दो बार राइस वाटर पैक लगाओ और एक बार कोई और पैक लगाओ, तो उससे भी आपके बालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत ही अच्छे बालों में थिकनेस आएगी, मोटापन आएगा, बाउंसी हेयर होंगे आपके। ओके जी, और आपका रूटीन अब स्टार्ट है रेगुलर, तो प्लीज़ वीडियो देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।